दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक को वृक्षारोपण अभियान चलाकर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में रविवार को पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। दरअसल हम आपको बताते चले कि भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के साथ पौधारोपण के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजीवन मंडल, राकेश कुमार, विनोद यादव के अलावे दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को सांसद के द्वारा कहा गया कि वो अपने बूथ पर कम से कम 100 पेड़ जरूर लगाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अंशुमान कुमार ने बताया कि प्रत्येक मंडल में 1000 पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है। वह मौके पर राजजीवन मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार, ग्रामीण अध्यक्ष विनोद यादव, पूर्व अध्यक्ष विजय यादव, आईटी सेल के सदस्य राहुल भारद्वाज, जिला मंत्री माधुरी सिन्हा, जिला मंत्री भोला पांडे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमन कुमार, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अभिषेक शर्मा, नगर अध्यक्ष संजय केसरी, शशि सिंह, विपुल शर्मा, सुनील निराला, अभिमन्यु पटेल के अलावे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस मौके पर पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने पौधारोपण करते हुए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया और भाजपा के इस अभियान को लगातार गति देने की बात कही। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।